नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। प्यार बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन जब तक ये हद के अंदर रहे तभी तक अच्छा लगता है, लेकिन जब ये हदें पार कर देता है तो कई जिंदगियों को बर्बाद भी कर देता है। प्यार कभी भी किसी भी उम्र में हो सकता है। अक्सर प्यार तब बड़ी समस्या बन जाता है जब वो अपनी सीमाओं को तोड़ दे। जब सीमाएं टूटती हैं तो क्या होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होती है। हमें ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं, इसकी वजह है, दरअसल उन्नाव में एक घटना घटी जिसने हमें ये सीख दी है एक बार फिर से कि प्यार जो है अच्छा है, लेकिन वो भी सीमा में रहे तभी अच्छा है, वरना इसका अंजाम जो है बहुत बुरा होता है। उन्नाव में 3 बच्चों की मां को पड़ोसी साथ पड़ोस में रहने वाले एक युवक से प्यार हो गया। 3 बच्चे, सोचिए, उनमें से पहली बेटी की उम्र, 3 बच्चे ऐसा नहीं छोटे छोटे बच्चे, पहली बेटी की उम्र कितनी थी, 22 साल करीब, उसकी शादी हो चुकी। दूसरा बेटा, उसकी उम्र करीब 18 साल, मुंबई में रहकर नौकरी कर रहा था। तीसरा बेटा, जिसकी उम्र करीब 8 साल थी। तो इतने बड़े बड़े बच्चों की मां को, जब उसकी एक सीमा ये थी कि जब उसको अपने परिवार की तरफ ध्यान देना चाहिए था, तब उसकी निगाहें जो हैं पड़ोस में रहने वाले एक युवक से 4 हो गई। यानी यहां पर सारी सीमाएं टूट गई जो नहीं टूटनी चाहिए थी। अब इसका अंजाम, जाहिर सी बात है, जब कुछ गलत होगा तो इसका अंजाम भी बेहद गलत होगा। प्यार हो गया, महिला सारी सीमाएं रांगती चली गई और पति और अपने बच्चों को छोड़कर, सिर्फ छोटे वाले बच्चे को अपने साथ लेकर, प्रेमी के साथ 2 साल पहले फरार हो गई, यानी भाग गई। 2 साल तक प्रेमी के साथ रही, अपने तीसरे बच्चे के साथ रही, उसे परिवार की कोई चिंता नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसे परिवार की याद आने लगी, उसे एहसास हुआ कि यहाँ प्रेमी के साथ उसे सुख नहीं मिल सकता, उसकी या उसको हमेशा अपने बच्चों की याद आती थी और अपना घर परिवार याद आता था, रिश्तेदार याद आते थे। लिहाजा 2 महीने पहले जो प्रेमिका थी वो अपने प्रेमी को छोड़कर अपने बच्चे को लेकर अपने पति के पास वापस आ गई। पति ने भी सोचा, चलो पत्नी वापस आ गई है, चलो कुछ भी हो, जो बुरा हुआ था होना था वो तो हो गया, लेकिन अब अगर वो वापस आ गई, उसे अपनी गलती का एहसास है, तो पति ने भी रख लिया, घर वाले भी सब खुश थे। लेकिन चूंकि सीमाएं टूट चुकी थी तो अब इससे नाराज कौन हुआ, नाराज हो गया प्रेमी। अब प्रेमी इतना नाराज हो गया कि उसने खूनी खेल खेलने का साजिश रच डाली। और फिर क्या हुआ, फिर हुई प्रेमिका की बेदर्दी से हत्या। ये आज सुबह जब मामला आया सामने तो सब चौंक गए। इस पूरे मामले की जब परत दर परत सामने आई तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। आज उसी मामले को हम आपके सामने लेकर आए हैं और आपको हम बताएंगे कैसे एक प्रेम कहानी जो अनैतिक थी, पहले से ही गलत थी, और आखिरकार उसका अंत भी उससे ज्यादा बुरा हुआ जो पहले परिवार ने झेला और बाद में अंत और भी बुरा हुआ। ये पूरी कहानी हम आपको तफसील से बताते हैं, कहाँ की है, उन्नाव जिले की है ये, कब क्या हुआ, पूरे घटनाक्रम सुनिए। सबसे पहले आपको एक डिस्क्लेमर हम ये दे दें, जो महिला की तस्वीर आप देख रहे हैं ये प्रतीकात्मक तस्वीर है, मतलब महिला की तस्वीर हमारे पास उपलब्ध नहीं थी तो एक ये प्रतीकात्मक तस्वीर है। इसका मकसद है कि आपको शादीशुदा महिला का एक हम चित्र दिखाने की कोशिश करें, लेकिन ये ओरिजिनल महिला की तस्वीर नहीं है। अब घटना सुनिए, इसलिए हमने उसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लिख रखा। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कब क्या हुआ। उन्नाव जिले के सफीपुर कोतवाली क्षेत्र कस्बा मोहल्ला बाकरगंज के रहने वाले 45 साल के राम सिंह की पत्नी 40 साल की रिंकी 3 बच्चों की मां थी। 2 साल पहले अपने पड़ोसी युवक, जो युवक आपकी फोटो में दिख रहा, आपको फोटो में दिख रहा होगा युवक, अनिल उसका नाम है, रिंकी उम्र 40 साल थी, इसका प्रेम संबंध हो गया अनिल के साथ। अनिल शादीशुदा नहीं था लेकिन रिंकी शादीशुदा थी और 3 बच्चों की
माँ थी। रिंकी अपने 8 साल के बच्चे को लेकर अनिल के साथ चली गई। रिंकी के 3 बच्चे थे जिसमें से बड़ी बेटी 22 साल की अंशी की शादी हो चुकी थी। 18 साल का दूसरा बेटा तनुज मुंबई में रहकर नौकरी करता था, जबकि छोटा बेटा 8 साल का तरुण माँ रिंकी के साथ रह रहा था। दोनों प्रेमी और प्रेमिका जब पत्नी ने अपनी सीमाएं नांगी, अपने घर की लक्ष्मण रेखा को पार किया, तो अपने छोटे बेटे को लेकर वो प्रेमी के साथ गई और प्रेमी ने उन्नाव में किराए का मकान लिया। यहाँ पर प्रेमी प्रेमिका दोनों रह रहे थे। इस दौरान 2 साल हो गए, लेकिन रिंकी को अपने परिवार की याद आ रही थी, उसे अपने बच्चों की याद सताने लगी। लिहाजा करीब 1 महीने पहले रिंकी अपने बच्चे को लेकर अपने पति के घर वापस आ गई। रिंकी को वापस आने पर पति राम सिंह और उसके घर वाले खुश थे। उन्होंने रिंकी की जो भी गलती थी उसे माफ कर दिया कि चलो कल का बुद्धू अगर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते वाली कहानी समझकर कि उसे गलती का एहसास हो गया और वो वापस आ गई। चलो ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ सही चल रहा था, बच्चे खुश थे, पति खुश था कि पत्नी वापस आ गई है, जो उसके जाने से इज्जत जो घटनी थी वो तो घट गई, वो वापस नहीं आ सकती थी, लेकिन चलो अगर वो सही आ गई कि परिवार में खुशियाँ वापस आ गई तो इससे बढ़कर क्या चाहिए। एक पति यही चाहता है कि परिवार उसका खुश रहे, तो परिवार वाले खुश थे वहीं। लेकिन इस सब से चूंकि सीमाएं टूट चुकी थी तो इतना आसान नहीं होता है कि आप एक बार सीमाएं तोड़ दें और उनको फिर से चाहें रिश्ते तोड़ दें और फिर उनको आसानी से छोड़ दें। इस सब से नाराज था प्रेमी अनिल सिंह। प्रेमी अनिल रिंकी को भूल नहीं पा रहा था। वो रिंकी को क्योंकि एक ही गांव का था, वो भी जब रिंकी वापस आई तो वो भी गांव वापस पहुंच गया। वो रिंकी को मनाने के लिए वापस आ गया। इस दौरान वो रिंकी से चोरी छुपे मिलकर उस पर दबाव बनाने की कोशिश करता था कि फिर से वो उसके साथ चले, वो उसके बिना रह नहीं पाएगा। बार बार अनिल जो है वो अपने प्यार का एहसास रिंकी को दिलाने की कोशिश करता था, उससे कहता था कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा और तुम मुझे छोड़ के चली आई हो, मैं बिल्कुल भी लाचार हो गया हूँ। जो वही प्रेमी की कहानी की प्रेमिका जब चली जाती है तो रोना धोना शुरू कर देते, वही कहानी चल रही थी अनिल की, रो धो रहा था। लेकिन अब इस बार रिंकी ने फैसला कर लिया था कि नहीं, जो मैंने गलती कर दी अब वो दोबारा गलती मैं नहीं करूंगी और मैं अपने पति और बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। रिंकी के इस बात से प्रेमी अनिल जो था वो बौखला गया था। उसको लग रहा था कि अब इसने तो मुझे धोखा दे दिया, पहले तो मेरे साथ आ गई, अब ये कह रही हमको अपने बच्चे प्यारे हैं, पति प्यारे हैं, पहले क्यों, अगर तुमको इतना प्यार था तो पहले तुम क्यों छोड़ गए। तो वो बौखला गया, लिहाजा उसने अब रिंकी को सबक सिखाने की ठान ली। आज उसके दिल में क्या आ गया कि तुम मेरी नहीं तो फिर मैं किसी और की भी नहीं रहने दूंगा, यानी अगर हम तकलीफ में हैं तो तुमको भी खुश तुम अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाओगे। लिहाजा अनिल ने क्या किया, अपने प्रियंका के घर के ठीक सामने उसके एक रिश्तेदार जो चंडीगढ़ में रहता है उसका घर है, उसने उससे किसी तरह बहाने से चाबी कमरे की ले ली, उसकी चाबी उसके घर की, और वो उसके ठीक रिंकी के सामने जो सामने घर था उस घर में रहने लगा। लगातार वो इस घात में रहता था किसी तरह से रिंकी को अकेले पा जाए। लिहाजा शनिवार की रात वो कमरे में लेटा था और उसका बाहर का कमरा था और रिंकी का जो घर था वो ठीक उसके सामने दिखता था। वो लगातार नजर बनाए रहता था, मौके की ताड़ में रहता था। अनिल ने सुबह सुबह देखा, सुबह 4 बजे करीब समय होगा, शनिवार की रात सुबह 4 बजे का समय होगा, उसने देखा कि रिंकी का पति अनिल शौच क्रिया के लिए घर से बाहर जा रहा है। तो इसी बीच उसे मौका मिला और वो कुल्हाड़ी लेकर अंदर घुस गया। गया अंदर रिंकी घर में, रिंकी बरामदे में सोई हुई थी। बच्चे जो थे, जो छोटा बच्चा ही घर पे रहता था, वो छत पे बता रहा था सोया हुआ था। अनिल ने आओ ना देखा ताओ, उसने कुल्हाड़ी उठाई और रिंकी के सीधे चेहरे पर पहला वार। पहला ही वार इतना जोरदार था कि रिंकी बस एक बार चीख पाई। उसकी चीख सुनकर जो छोटा बेटा था उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि कोई आदमी माँ को कुल्हाड़ी से मार रहा है, लिहाजा वो तुरंत ही दौड़ कर आया और माँ को बचाने की कोशिश की। जब तक वो दौड़ कर आता तब तक अनिल ने रिंकी पर दूसरा वार कुल्हाड़ी से कर दिया। रिंकी अब वहीं ढेर हो चुकी थी। इस दौरान जब छोटा बेटा भी रिंकी के पास पहुंच गया, उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। 10 साल का हो चुका था, अपने जी भर 10-12 साल का था, तो उसने अपनी कोशिश की तो अनिल ने उस पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया। लेकिन
चूंकि उसका निशाना सही कह दो नहीं बैठा, मारना वो भी उसको भी मार देता, लेकिन उसके किसी तरह से बच गया तो उसके पीठ पे कुल्हाड़ी लगी और कुल्हाड़ी एक तरीके से कहें छू के चली गई। वो चोटिल नहीं हुआ लेकिन वो डर गया और डर के भागते हुए सीधे घर से भाग बाहर भाग गया और शोर मचाने लगा। उसका शोर सुनकर आस पड़ोस के जो पड़ोसी थे, वहीं जो शौच क्रिया के लिए अनिल गया था, घर से बाहर ही शौचालय था, वो भी तुरंत भागा भागा आया और अनिल को घर वालों ने, अनिल ने और जो पड़ोस के लोग थे उन्होंने उसे मौके पर ही वहीं कुल्हाड़ी के साथ दबोच लिया। इस दौरान किसी ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, पुलिस आई, पुलिस ने अनिल को कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की गई तो उसने यही बताया कि वो रिंकी से बेइंतहा प्यार करता था, रिंकी मेरे साथ 2 साल पहले चली गई थी, मेरे साथ उन्नाव में रह रही थी, लेकिन अचानक ही उसको घर वालों को बड़ी याद आने लगी थी, उसे अपने बच्चों की चिंता सताने लगी थी और वो 1 महीने पहले चली आई। रिंकी के इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो रिंकी को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब रिंकी मानने को तैयार नहीं हुई तो उसको कुछ समझ नहीं आया और उसको बस यही लगा कि इसने मुझे धोखा दिया है तो अब मैं इसको किसी और का नहीं होने दूंगा और इसको सबक सिखा के रखूंगा। और सबक सिखाने के लिए उसके दिमाग में बस एक यही तरीका आया। पुलिस की गिरफ्त में अनिल है, माँ रिंकी की मौत हो चुकी है, बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस घटना के खुलासे से जो आस पड़ोस के लोग हैं वो हैरान हैं, क्योंकि अनिल की उम्र भी करीब 40 से 45 साल की है, रिंकी की उम्र 40 साल की है, 40 और 3 बच्चे, बड़े बड़े सोचिए, एक की उम्र 22 साल हो, एक की 18 साल हो, एक 11 साल का बच्चा हो। इस उम्र में जो रिंकी ने किया, सबसे पहला कदम शायद रिंकी का ही गलत था कि जिस उम्र में अपने बच्चों अपने परिवार की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था उसके कदम बहक गए, उनको प्यार हो गया, प्यार भी हो गया और उसके बाद वो अब उस प्यार की गिरफ्त में इतना बह गई कि अपनी मान मर्यादा सम्मान परिवार की इज्जत सब भूलकर प्रेमी के साथ भाग गई। 2 साल तक प्रेमी के साथ भी रही, 2 साल बाद शायद गलती का एहसास हुआ, वापस भी आई, लेकिन तब तक आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे। पति चूंकि अपने बच्चों के मुंह में बंधा हुआ था, परिवार की इज्जत मान सम्मान सब उसके जिम्मेदारी था, तो उसने इतनी बड़ी गलती को भी, और कोई शायद होता तो पति स्वीकार भी ना करता, लेकिन अनिल जो वो कहें जिसका पति था राम सिंह, वो इतना वो था कि चलो कुछ भी हो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, गलती हो गई तो हो गई। खैर वापस आ गई, उसने स्वीकार कर लिया, अपने घर में रहने दिया, सब कुछ था। लेकिन जहां आप पहले आपने पति को धोखा दिया, पति उस धोखे को बर्दाश्त कर गया अपने बच्चों के लिए, लेकिन अनिल धोखे को नहीं बर्दाश्त कर पाया क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, उसको बांधने के लिए कुछ नहीं था कि हाँ चलो वो चली गई कोई बात नहीं, मैं इसके सारी ज़िंदगी जी लूँगा। उसको तो यही था कि ये मेरी अब ज़िंदगी है, मेरी नहीं है तो मैं किसी और की नहीं होने दूंगा, मैं दुख में रह रहा हूं, तो ये खुशी में कैसे रह सकती है। लिहाजा उसने उसे मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया और नतीजा ये हुआ एक अवैध रिश्ते का अंत भी अवैध तरीके से कहते यही होना चाहिए, दुखद अंत हुआ है। रिंकी की मौत हो चुकी है, घर वाले रो रहे हैं, वहीं अनिल अब अपनी सारी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारेगा। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? वहीं आपको एक और बता दें, ये प्यार की एक कहानी थी, एक खबर थी जो आज हुई है, वहीं एक जगह और हुआ है, एक और मामला हुआ है जहाँ प्यार में युवक की हत्या हुई उन्नाव के मौराव में। अब से थोड़ी देर बाद वो खबर भी आपको बताएंगे, उस खबर के बारे में डिटेल से जानने के लिए बने रहिएगा, देखते रहिएगा। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? क्या रिंकी के साथ जो हुआ, 3 बच्चों की मां ने सबसे पहले जो फैसला लिया अपने प्रेमी के साथ भाग जाने का, क्या वो फैसला सही था? क्या उसने अपने दिल की सुनी सही किया? क्या जो रिंकी के पति ने जब वो वापस 2 साल बाद लौट के घर आई, रिंकी के पति राम सिंह ने उसे वापस अपने घर ले लिया, क्या राम सिंह ने सही किया? और अनिल ने जो किया क्या वो सही है? किसका फैसला सही है और कौन गलत? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और इसी तरह से अगली जुर्म की खबर जानने के लिए जुड़े रहिए। उन्नाव के मौरावा में भी प्यार ने ही एक और युवक को मौत के घाट उतार दिया है, कौन है वो, क्या है पूरा मामला, अब से थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे। बने रहिए, देखते रहिए यूनिज यूपी। नमस्कार। अपनी राय जरूर दीजिएगा इस खबर पर कि आपकी क्या राय है। अवैध रिश्तों का अंत हमेशा बुरा ही होता है।